नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और आज है उसका लेक्चर नंबर 13। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मांग के बारे में। अब से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा मांग। तो इस डिमांड का पहले परिचय जानेंगे, फिर मांग, मांग वक्र तथा मांग का नियम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया और काफी कुछ कहीं ना कहीं उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो हम लोगों को समझ में आ गया। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हमने उपयोगिता को जाना, फिर उपयोगिता में उपयोगिता विश्लेषण में गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण जाना। गणनावाचक में हम लोगों ने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रमवाचक में अंतिमान वक्रों के बारे में पढ़ा, हमने बजट रेखा के बारे में पढ़ा, हमने बजट के बारे में पढ़ा, बजट सेट के बारे में पढ़ा, उसकी प्रवणता, उसका स्लोप के बारे में पढ़ा, हमने MRS के बारे में अभी तक इस अध्याय में पढ़ा, हमने बहुत कुछ इस अध्याय में पढ़ लिया, काफी कुछ इस अध्याय में पढ़ लिया। अब आज हमारा टॉपिक जो है वो है मांग या डिमांड, ठीक है। हम हर व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु की, किसी ना किसी सेवा की डिमांड करता है, मांग करता है। अब एक्चुअल में ये मांग क्या है, मांग की कमी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, मांग को कैसे परिभाषित करते हैं सकते हैं, मांग क्या होती है, क्या किसी एक वस्तु की मांग किन किन घटकों के या किन किन प्रभाव के कारण प्रभावित होती है, ये सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो डिमांड को समझने का रहेगा कि एग्जैक्टली डिमांड होती क्या है, और फिर लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम मैं आपको बताऊंगा। मांग वक्र, डिमांड कर्व जो होते हैं उसके लिए आपको मेरे साथ अगले लेक्चर में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मांग वक्र के लिए आपको मांग अनुसूची समझानी पड़ेगी और वो तभी होगा जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज बेसिक ओवरव्यू है सिर्फ और सिर्फ डिमांड का, मांग का। चलिए तो परिचय को देखते हैं। पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा तथा वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दी हुई स्थिति में उपभोक्ता के इष्टतम बंडल की व्युत्पत्ति की। हमने देखा कि वस्तु की मात्रा, जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप में करता है, वस्तु की अपनी कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचि और अधिमानों पर निर्भर करता है। देखो अभी क्या कह रहा है, पूर्व खंड में मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा है कि उपभोक्ता किसको चुनेगा, कौन से वाले सेट को, कौन से वाले बंडल को चुनेगा, वस्तुओं की कीमतों को जाना, उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दिव्य स्थिति पर जो उपभोक्ता इष्टतम बंडल चुनता है, ये सब हम लोगों ने जाना। हमने ये देखा कि एक वस्तु की मात्रा, जिसको उपभोक्ता इष्टतम रूप में चुनता है, चयन करता है, वो वस्तु की अपनी कीमत, ठीक है, वस्तुओं की कीमत, अन्य वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमानों पर निर्भर करती है। तो यहां पर आप एक बात आपको यहां पर समझ में आ जानी चाहिए कि जो मांग है, जो डिमांड है, वो डिमांड काफी चीजों पर निर्भर करती है कि मैं इस वस्तु की डिमांड या मांग करूंगा या नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो वस्तु की अपनी कीमत, जो भी वस्तु मैं खरीदने जा रहा हूं उस वस्तु की अपनी कीमत क्या है, उस वस्तु की कीमत कितनी है। अगर उस वस्तु की कीमत ज्यादा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, और कम है तो मैं उसको ज्यादा खरीद लूंगा। उसके साथ साथ अन्य वस्तुएं, अन्य वस्तुओं का मतलब कि स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थापन जैसे कि जिसको हम लोग पूर्ण रूप से चेंज कर सकते हो, जैसे चाय और कॉफी दोनों एक जैसी है, अगर चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो मैं कॉफी का क्या है, कंजप्शन, उपभोग बढ़ा दूंगा, और चाय की प्राइस कम हो जाती है तो मैं चाय का उपभोग बढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार से अन्य वस्तुओं की कीमत भी प्रभावित करती है जिस वस्तु की हम लोग मांग करते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता की आय बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सब कुछ जो टिका है वो आय पर ही टिका है। अगर आय मेरी ज्यादा होगी, मेरी इनकम अगर ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा मांग करूंगा, ज्यादा डिमांड करूंगा, और अगर मेरी आय कम होगी, मेरी इनकम कम होगी तो मैं कम डिमांड करूंगा। इसके अलावा उसका किस चीज में रुचि है, किस चीज में इंटरेस्ट है, वो किसको अधिमान, किसको प्रेफरेंस देता है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। रुचि, इंटरेस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब तक इंटरेस्ट या रुचि नहीं होती, हम किसी भी चीज की डिमांड नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज आपको अगर मेरे लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में ये नहीं कहोगे, नहीं नहीं सर पढ़ाइए प्लीज, और पढ़ाइए और पढ़ाई नहीं। आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाए में इंटरेस्ट आ रहा है, तो ही आप डिमांड करोगे। ओके, आपको अगर मान लीजिए आपको गाड़ी का शौक नहीं है,
तो आप कभी भी गाड़ी की डिमांड नहीं करोगे। अगर आपको घड़ी का शौक है, घड़ियों में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप इसकी डिमांड करोगे। तो रुचि और प्रेफरेंस जो हम लोग देते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ वाले इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या पता चला कि हमने पहले क्या पढ़ा वो हमने देख लिया, और अब इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है कि जो इष्टतम चयन हम जो कर रहे हैं, जिसे मांग कह रहे हैं, वो मांग और डिमांड किन किन चीजों पर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, अन्य वस्तु की कीमतों पर भी निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमान, इन सब पर निर्भर करती है। चलिए, क्या हम कभी ये विचार करते हैं कि हमारी वस्तु की कीमतें कैसे निर्धारित होती है और समय के साथ ही हमारी इच्छा एवं आवश्यकताओं में क्यों और कैसे परिवर्तन आता है? तो क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं, कभी ऐसा विचार करते हैं कि जो मार्केट में प्राइस है, जो मार्केट में एक वस्तु की कीमत है, वो कैसे तय होती है? कैसे पता चलता है कि साहब इसकी वस्तु की इतनी ही कीमत रखनी, इतनी नहीं रखनी, और किस प्रकार से समय के साथ हमारी आवश्यकताओं में, हमारी जरूरतों में, हमारी इच्छाओं में, हमारी रुचि में, हमारे अधिमानों में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है? जो चीज हमें कुछ समय पहले अच्छी लगती थी वो आज बुरी लगती है, और जो कुछ समय तक बुरी लगती थी वो आज अच्छी लगती है। ये परिवर्तन, ये बदलाव क्यों हो रहा है? क्या कभी हमने ऐसा सोचा है? क्या कभी हमने विचारा है? यहाँ पे इनको सोचिए, सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल्पना करना बड़ा जरूरी है। अगर आप कल्पना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपकी कल्पनाओं में निकल करके ही आएगा। तो कल्पना करिए कि कीमत कैसे निर्धारित होती है और क्यों हमारी आवश्यकताओं में इतना परिवर्तन होता है। अर्थ प्रणाली का आधार स्तंभ मांग के अर्थ, इसको प्रभावित करने वाले घटक तथा इसमें होने वाले परिवर्तन को समझना है। चलिए, तो अब आज का लेक्चर या अब आज से जो आगे की कहानी है, वो अर्थ प्रणाली का जो आधार है, जो हमारी अर्थ प्रणाली है, जो हमारे पूरा इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का पूरा सिस्टम है, उसका स्तंभ है, ठीक है, उसका स्तंभ, स्तंभ का मतलब एक प्रकार से पिलर है जिस पर छत टिकी हुई होती है ना, वो है। तो पूरी प्रकार से ये मांग बेटा स्तंभ है, इसी के ऊपर पूरा हमारा इकोनॉमिक्स, हमारा पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है। अगर मांग नहीं होगी ना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। कैसे बेकार हो जाएगा? देखो, अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भैया ना तो महंगाई हो, महंगाई का मतलब है हर वस्तु की प्राइस बढ़ जाना, और हम ये भी नहीं चाहते कि मंदी हो, मतलब हर वस्तु की प्राइस गिर जाना। अब ये जो सब कुछ है ना, सब कुछ जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है भैया डिमांड पर। अगर आप लोगों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ये वाली कंडीशन हो जाती है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ये वाली कंडीशन हो जाती है, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो हमारी ये वाली कंडीशन हो जाती है। सब कुछ जो टिकावा है वो मांग पर टिकावा है। अगर मांग नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो हमारे पूरे अर्थव्यवस्था, पूरा सिस्टम धाराशायी हो जाएगा। बच्चों, आप याद करिए ना 1929 की महामंदी, 1929 की द ग्रेट डिप्रेशन, उसमें याद करिए कितने बुरे हालात हुए। और महंगाई से भी बुरी अगर कुछ है तो मंदी है, महंगाई से भी ज्यादा बुरी अगर कुछ है तो बेटा वो मंदी है। क्योंकि यहां पर, और मंदी क्यों ज्यादा बुरी? क्योंकि डिमांड कम हो रही है, डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, मांग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मांग खत्म हो गई तो उत्पादन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उत्पादकों को फायदा ही नहीं होता, प्रॉफिट ही नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता वो फैक्ट्रियां बंद कर देते, फैक्ट्री बंद कर देते, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते। तो सिर्फ और सिर्फ डिमांड कम करने से, मांग कम करने से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो ये मांग हमारी अर्थव्यवस्था का, हर देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से स्तंभ है बेटा, खंभा है। अगर वो गिर जाता है ना तो मतलब मान के चलो अर्थव्यवस्था गिरना तय है। तो इसलिए कहा गया कि अर्थ प्रणाली का जो स्तंभ है, आधार स्तंभ है, आधार है जो खड़ा है जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था, वो क्या है? मांग है, वो डिमांड है। तो इस डिमांड का अर्थ क्या होता है, मांग का अर्थ क्या होता है, ये समझना जरूरी है। और इस मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको प्रभावित कर सकती है, मांग को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, तो कौन कौन सी हो सकती है? उस वस्तु की जिसकी आप मांग करना चाहते हो उसकी कीमत, ठीक है, उसको आसपास के जो वस्तु है, स्थापन और पूरक वस्तु है, उनकी कीमत, हमारी उपभोक्ता की आय, हमारी रुचि, अर्थात जो हमारा टेस्ट होता है, प्रेफरेंसेस होते हैं, रुचि, अधिमान आ गया, ये सब कुछ आ गया। और इसके साथ एक होती है बेटा भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस भी कहीं ना कहीं हमारी आज की मांग को प्रभावित करते हैं। ओके, तो इन सभी को हमें समझना है। व्यक्तिगत और बाजार दोनों स्तर पर मांग अवधारणा का अध्ययन आवश्यक है। तो हम एक व्यक्तिगत के तौर पर भी करेंगे, ठीक है, कि भैया एक इंडिविजुअल कैसे अलग अलग वस्तुओं की मांग करता है, और बाजार में भी देखेंगे। बाजार का मतलब जब हम अलग अलग वस्तुओं की मांग करने वाले लोगों को मिला देंगे तो वो पूरा बाजार में आ जाएगा। अब हम आते हैं मांग की तरफ या डिमांड की तरफ, ठीक है, मांग या डिमांड जिसको कहा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और
अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन बनने की इसमें संभावना होती है, डिमांड पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, डिमांड पे बन जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम पर बन जाएगा, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कहते हैं उस पर क्वेश्चन बन जाएगा। पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मांग, वो मांग जिसको आधार बताया गया पूरी अर्थव्यवस्था का, वो मांग जिसको आधार स्तंभ बताया गया अर्थव्यवस्था का, वो मांग जो कम होने पर पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था गिर जाती है, चौपट हो जाती है, महामंदियां आ जाती है, तो ये मांग एग्जैक्टली है क्या, मांग क्या है, डिमांड क्या है। तो देखिए डिमांड एक्चुअल में हम एक स्थिति पर उस स्थिति में क्या है कि एक समय में एक आय में और जो वस्तु की कीमतें दे रखी है उसको पाना चाहते हैं, बस वही हमारी डिमांड हो जाती है, वही हमारी डिमांड का काम करती है। पर ये जो मांग है ये मांग काफी कारकों से प्रभावित होती है, काफी घटकों से प्रभावित होती है, काफी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। अब मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात इस सब्जेक्ट की ये है कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में रिलेट करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल कुछ सब कुछ हवा में चल रहा हो कि हाँ पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। आप खुद सोचिए कि जब आप किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, और उसको खरीदना उसको ना खरीदना, कौन कौन से तत्व आपको तय करवाते हैं कि साहब इस चीज को खरीदना नहीं खरीदना। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, उस वस्तु की कीमत देखते हैं जो कि हम खरीदना चाहते हैं। तो बहुत सी बार जब हमारे बजट में नहीं होती है, मतलब जितनी मेरी आय है उस आय के अंदर वो वस्तु नहीं आ रही है, तो अपन क्या कहेंगे अपने बजट में नहीं है, ठीक है, तो वो अपन त्याग देते हैं। तो सबसे पहले तो वस्तु की कीमत, और इस वस्तु की कीमत से ही निकलेगा आगे जाकर के मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, मांग का नियम। चलिए इस वस्तु की कीमत के अलावा अन्य वस्तुओं की कीमत क्या कहा जाएगा, अन्य वस्तुओं की कीमत। इस अन्य वस्तुओं की कीमत में कौन कौन से वस्तु आ जाएंगी, दो आती हैं, एक स्थापन और पूरक वस्तु। स्थापन वस्तुओं का मतलब यह होता है कि आप पूरी तरीके से उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक के जगह दूसरे पे जा सकते हो, आपके टेस्ट में आपके संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण चाय और कॉफी का है, अगर मान लीजिए चाय की भी कीमत 10 रुपए है और कॉफी की भी कीमत 10 रुपए है, और जनरली मान लीजिए मैं चाय पी रहा हूं और जैसे मुझे पता चला कि साहब चाय की कीमत 15 रुपए हो गई है, तो मैं कॉफी की तरफ ट्रांसफर कर जाऊंगा। मतलब एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो यहां पर कैसा संबंध होता है, यहां पर पॉजिटिव धनात्मक संबंध होता है, ठीक है, दोनों एक साथ ऊपर नीचे होंगे। एक वस्तु की जब कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत गिरती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी गिर जाती है। अब जैसे मान लो चाय 10 की, कॉफी 10 की, जब चाय 15 की हुई तो मैंने कॉफी की डिमांड बढ़ा दी, और जैसे मान लीजिए चाय 5 की हो गई तो अब कॉफी पीने वाले भी किधर आ जाएंगे, चाय की तरफ आ जाएंगे, बोले 5 रुपए में मिल रही है, ऑलमोस्ट टेस्ट सा सेम ही होता है। तो मतलब आप पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक में अगर आपको दोनों सेम सी लगती है और किसी की ज्यादा प्राइस हो रही तो आप उसको छोड़ करके कम प्राइस वाले पे चले जाओगे। तो वस्तु की कीमत और उसके आसपास की अन्य वस्तु है उसकी कीमत। फिर होती है बच्चों पूरक वस्तु। पूरक वस्तुओं का मतलब है वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है, एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है। जैसे कि मैं बात करूं कार, डीजल, ठीक है, अब आप कार ले लो, डीजल ना डलवाओ तो फिर क्या फायदा। तो कार और डीजल, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे जैसे क्या होगा, कार की अगर प्राइसेस बढ़ेगी, कार की कीमतें बढ़ेगी, तो डीजल की जो डिमांड है वो भी डाउन जाती जाएगी, क्योंकि लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो फिर डीजल का करेंगे क्या। तो इसी प्रकार से जैसे इंक और पेन, ये दोनों क्या है, एक साथ चलने वाली चीजें, अलग अलग नहीं है, आप इनका स्थापन नहीं कर सकते, पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली वस्तु है। तो यहां पर इन वस्तुओं की कीमतों का भी प्रभाव हमारी एक वस्तु की मांग पर पड़ता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रुपया, मतलब उपभोक्ता की आय, अगर ये नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब अगर हमारी आय, हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम किसी भी वस्तु की ज्यादा मांग करेंगे, उस वस्तु की ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि जेब में रुपया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर, ठीक है, क्रय शक्ति की क्षमता। क्रय शक्ति का मतलब होता है आपको खरीदने की कितनी क्षमता है, और खरीदने की क्षमता का मतलब क्या, जेब में जितना पैसा है।
₹100 अगर मेरी जेब में तो मैं ₹100 तक का सामान खरीद सकता हूँ, ₹1,00,000 मेरी जेब में तो मैं ₹1,00,000 तक का सामान खरीद सकता हूँ। मेरी क्रय क्षमता, मेरी परचेजिंग पावर पैसों के साथ बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी आपकी आय होगी उतनी ही आपकी क्रय शक्ति होगी, परचेजिंग पावर आप लोगों की होगी, तो उपभोक्ता की आय भी बड़ा मैटर करती है। अगर आय कम हो गई तो यहाँ पर इनकी भी डिमांड कम कर दी जाएगी। इसके अलावा आप एक आ जाता है, आप इसमें रुचि और अधिमान लिख सकते हैं, रुचि और अधिमान, मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस। अब आपकी इनकम चाहे लाखों हो, करोड़ों हो, कुछ भी हो, चाहे किसी वस्तु की कितनी कीमत गिर रही हो, कितनी बढ़ रही हो, अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी भी हाल में उधर नहीं जाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट बड़ी चीज है ना, रुचि बड़ी चीज है। इंटरेस्ट होगा तभी तो जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। आप उस चीज को प्रिफर ही नहीं करते तो आप क्यों जाओगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट और ये जो अधिमान होना है ये भी जरूरी होता है। एक होती है बच्चों भविष्य की संभावनाएं, भविष्य की संभावनाएं भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए, जैसे कुछ लोग जनरली क्या होता है सोने चांदी इसमें करते हैं, जैसे अगर ये की उम्मीद रहती है कि नहीं नहीं साहब आने वाले समय में 2 महीने में 3 महीने में सोने की जो रेट है वो और भी हाई हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं आज ही खरीद लेते हैं, क्या भैया अभी सस्ते में खरीद लेते हैं, और उनको लगता है नहीं नहीं साहब 2-3 महीना रेट कम होने वाले, तो वो रुकेंगे और फिर 2-3 महीने बाद खरीद लेंगे। तो भविष्य की संभावनाओं को लेकर के भी हमारी आज मांग स्थापित होती है, मांग पर प्रभाव पड़ता है। अब ये जो आपने अभी तक की पूरी कहानी पढ़ी कि मांग क्या है और मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है, मतलब जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती है, ये सारी बातें हमारी मांग को ज्यादा भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। इसलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है जिसको कहा जाता है मांग फलन या इंग्लिश में कहा जाता है डिमांड फंक्शन, मांग फलन या डिमांड फंक्शन। अब मांग फलन या डिमांड फंक्शन आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्या होता है मांग फलन या डिमांड फंक्शन, तो मांग फलन या डिमांड फंक्शन कहता है कि वस्तु की मात्रा या उसकी जो मांग है उसमें और मांग को प्रभावित करने वाले घटक और वस्तु की मांग, देखो वस्तु की जो मांग है और उसको प्रभावित करने वाले घटक है, इन दोनों के बीच का संबंध दर्शाया जाता है कि भैया आपकी ये वस्तु की मात्रा है, ये जो क्वांटिटी आप इतनी खरीदना चाहते हो और उसको ये प्रभावित कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का संबंध आता है। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला यूं है dx का मतलब यहां पर होता है x वस्तु, d मतलब डिमांड, फिर इसको बराबर में लेंगे f, ठीक है, एफ दर्शाता है फंक्शन को, फलन को, ठीक है, कि फंक्शन, और फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप है बेटा। जब आप आगे प्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ोगे, उत्पादन वाले पढ़ोगे, तो वहां पर भी आपको प्रोडक्शन, फंक्शन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन, अब फंक्शन में आप क्या क्या लोगे, सबसे अब कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही है, सबसे पहले तो पी एक्स मतलब एक्स जो वस्तु आप खरीद रहे हो उसकी प्राइस प्रभावित कर रही है। उसके बाद पी आर, आर का मतलब होता है रिलेटेड गुड्स, ठीक है, जो वस्तु आप खरीद रहे हो उससे रिलेटेड उसके आसपास की वस्तुएं हैं उसकी प्राइसेस, मतलब अन्य वस्तु की कीमतें। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं वाई होता है उपभोक्ता की आय या इनकम। फिर हम कहते हैं टी फॉर टेस्ट, तो टेस्ट भी प्रभावित करता है, और फिर एफ लगा देते हैं फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस के लिए। ये सब चीजें हमारी डिमांड को प्रभावित करती हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मांग फलन या डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो मांग आपको क्लियर, मांग को प्रभावित करने का वाले कारक आपको क्लियर, और मांग फलन क्लियर। चलिए अब आगे आ जाइए, मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। देखिए अब मांग अकेले एक से मिलकर के नहीं बनी है, मांग में 3 चीजें हैं, ठीक है। अब वो 3 चीजें क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली है किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। आप उस वस्तु की मांग, उस वस्तु की डिमांड तभी करेंगे जब उसके प्रति आपकी इच्छा है, उसकी आवश्यकता है। अगर इच्छा या आवश्यकता नहीं है तो आप उस वस्तु की डिमांड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मांग में 3 तत्व सम्मिलित है, 3 चीजें मिली हुई है। सबसे पहले उस वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, इस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा, ठीक है, आपकी उस वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए, और जब इच्छा है तो उसको खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए, और तीसरा है इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपका उस वस्तु में इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ साहब अपन को खरीदनी है, और खरीदनी है तो उसके बाद फिर पैसा भी होना चाहिए। अब क्या है कि कुछ लोगों के पास
खरीदने की इच्छा होती है, खरीदना चाहते हैं पर पैसा नहीं होता, ठीक है। जिनको कंगाल कहा जाता है कि साहब पैसा नहीं, इच्छा तो बहुत है कि मैं ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ पर पैसा ही नहीं है, ठीक है। और फिर तीसरा बोला गया कि इच्छा भी है, चलो मान लिया खरीदना चाहते हैं, पैसा भी है खरीदने के लिए, पर वो उसको खर्च करने की इच्छा नहीं है, ठीक है। उसको अपन लोग क्या कहते हैं, कंजूस कहते हैं, कि भाई पैसा बहुत है लेना भी चाहते हैं पर ले नहीं रहे क्योंकि कंजूस है। तो मांग तभी सफल होगी जब तीनों चीजें हो, उस वस्तु को खरीदने की इच्छा भी हो, मतलब उस वस्तु में आपका इंटरेस्ट हो, उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, नहीं दुकानदार अपना रिश्तेदार तो है नहीं जो फ्री में दे देगा, और जब आपके पास पैसा भी हो तो उस पैसे को खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए, पैसे को खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सामान भी ले लूँ और पैसा भी ना दूँ, ये पॉसिबल नहीं होता, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब अगर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर भी आप मांग नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है तो भी मांग नहीं हो सकती, और अगर उस वस्तु की इच्छा ही नहीं है तो बिल्कुल भी मांग नहीं हो सकती। तो मांग में ये तीन चीज़ें शामिल होती है, किसी वस्तु की इच्छा, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा या आवश्यकता, उस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा होना चाहिए, और मुद्रा मनी को पैसे को खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। मतलब आप उस वस्तु से बोर ना हुए, आप कंगाल भी ना हो और आप कंजूस भी ना हो। जब ये तीनों शर्तें आपकी पूरी हो जाती है तो आप किसी वस्तु की मांग डिमांड कर सकते हैं। अगर आप किसी वस्तु की इच्छा कर रहे हैं लेकिन आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो ये मांग नहीं है। अब आपकी इच्छा तो बहुत है कि साहब मुझे चीज खरीदनी है, मुझे ये चीज खरीदनी है, मुझे ये चीज खरीदनी, पर उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो फिर मांग कैसे होगी, फिर डिमांड कैसे होगी? क्योंकि हमें ये बात पता है कि खरीदने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देना पड़ेगा मतलब हमारे पास वो है नहीं। हम जब कहीं पर बहुत सी बार घूमने जाते हैं और करने जाते हैं, जैसे मॉल में मान लीजिए हम गए, हम कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं, हो सकता है वो हमें अच्छी भी लगे, हमारा उसमें इंटरेस्ट भी हो, पसंद भी आई हो, पर हम क्यों छोड़ करके आ जाते हैं? क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं होता, जिसे जनरली हम लोग आम भाषा में, अपनी भाषा में क्या कह देते हैं, बजट में नहीं है, बजट में नहीं है। और फिर एक डायलॉग और हमेशा हमारे साथ में रहता है कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चद्दर हो, मतलब जितना अपना बजट हो उतने ही हमें खरीदारी करनी चाहिए, तो ये बजट के बाहर इसको नहीं खरीदेंगे, हटा देते हैं। अब वहाँ इच्छा थी पर खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो वो मांग नहीं होगी, वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड कैसे होगी? अगर वो खरीद लेता लेकर के चला जाता तो डिमांड थी, नहीं हुई उसकी डिमांड। साथ ही अगर आपके पास पैसा है तो भी इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। अब आपकी वस्तु को खरीदने की इच्छा भी है, आपके पास जेब में पैसा रखा हुआ भी है, ठीक है, परंतु उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग, अरे यार चल रहा है काम, हाँ जेब में पड़े हैं लाख दो लाख रुपये, चल रहा है काम, क्या करेंगे खरीद कर करके, तो उनको पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं हो रही उनकी। पैसा है, ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ है, पर वो खर्च करना ही नहीं चाहते, तो वहाँ भी मांग नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड होने के लिए तीनों शर्तें आवश्यक है, उस वस्तु की इच्छा हो खरीदने की, खरीदने के लिए पैसा हो, और खरीदने के लिए पैसा देने की भी इच्छा होनी चाहिए। मांग सर्वथा कीमतों के साथ संबंधित रहती है, और मांग जो है ना हमेशा किसके साथ जुड़ी हुई है, कीमत के साथ जुड़ी हुई है। कीमत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसी पर मांग का नियम निकलेगा। तो मांग हमेशा कीमतों के साथ जुड़ी हुई है, कीमतों में ऊपर नीचे होगा तो मांग में भी ऊपर नीचे होगा ही होगा। अब वस्तु की मांग, अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको मांग की डिमांड की डेफिनेशन मिलने जा रही है। किसी की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अनुमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। मतलब किसी की मात्रा, कोई भी चीज हो सकती है, उसकी मात्रा क्वांटिटी, एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, उस वस्तु की कीमत, उसकी रुचि, उसके अनुमानों को निश्चित रखते हुए, ठीक है, निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है, और उसमें क्षमता भी है। क्षमता रखने का मतलब क्या है, उसके पास पैसे भी है। ये तो क्या है, यहां तक की तो बात आ गई कि इच्छा है, यहां तक की बात आ गई कि उसमें क्षमता है और वो देने को भी तैयार होगा, तभी वो क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एक मार्क्स में, दो मार्क्स में, कि भैया मांग को परिभाषित करिए, मांग की डेफिनेशन लिख करके दीजिए, तो आप ये वाली डेफिनेशन उठा कर करके डाल दीजिएगा कि साहब ये हमारी मांग होती है, ये हमारी डिमांड होती है। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तनों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में परिवर्तन की संभावना हो सकती है, हो जाती है। परिवर्तनों का मतलब होता है बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी होने वाला हो। वेरी का मतलब क्या होता है, जो चेंजेस होने वाला, बदलता रहता हो, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, जो चेंजेस होता रहे उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तनों में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। अब ये एक या एक से अधिक कौन से परिवर्तनों की बात करी जा रही, वस्तु की कीमत,
अन्य वस्तु जो है उनकी कीमत की बात करी जा रही है, उपभोक्ता की आय की बात करी जा रही है, रुचि और अधिमान की बात करी जा रही है, और भविष्य की संभावनाओं की बात करी जा रही है। जो पांच चीजें मांग को प्रभावित कर रही है, पांच परिवर्त है, ये पांच वेरिएबल्स है, इनमें से किसी ना किसी एक दूसरे में बदलाव आता जाएगा। और जब हम मांग का नियम पढ़ रहे हैं, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ये जो पांच फैक्टर मैंने आज आपको बताए हैं कि प्राइस ऑफ गुड मतलब जो एक्स वस्तु है उसकी प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स स्थापन और पूरक वस्तुओं की प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ठीक है, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि और अधिमान, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भविष्य की संभावना, इन सब में जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर जैसे मान लीजिए चाय का उदाहरण लेते हैं, चाय है 10 की है तो उसके आसपास की वस्तु अगर कॉफी है तो वो कल भी 10 की थी तो आज भी 10 की रहेगी और दो दिन बाद भी 10 की रहेगी। इनकम मेरी 20 रुपए थी तो आज भी 20 है, कल भी 20 रहेगी, आगे भी 20 रहेगी। मेरा कल भी टेस्ट चाय में था, आज भी आगे भी रहेगा, और भविष्य की संभावना में नीलवट्टे सन्नाटा है कि भाई भविष्य में जाकर के चाय की या कॉफी की कीमतों में कोई भी परिवर्तन आएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा, इसमें चेंज आएगा या तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, और जैसे इसकी कीमतें बढ़ी तो मैं इस वस्तु की मांग को कम कर दूंगा, डिमांड को कम कर दूंगा, और जैसे ही इस वस्तु की कीमतें घटी मैं इसकी मांग को बढ़ा दूंगा, यही मांग का नियम कहता है। तो मांग के नियम में दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह, उस वस्तु की कीमत को छोड़ कर करके सभी परिवर्तन, सभी वेरिएबल्स या सभी घटक क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, समान रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तनीय रहेंगे, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसा हम मान कर करके चलते हैं। दूसरी बात, सिर्फ इसमें चेंज होगा तो या तो इसकी इनकम बढ़ेगी, सॉरी इसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, इसकी प्राइस बढ़ी अपने डिमांड कम कर दी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड मांग का नियम क्या कहता है, जब जब कीमत बढ़ेगी तब तक उपभोक्ता वस्तु नहीं खरीदेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना, अपन खुद अपने आम जीवन में देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत बढ़ी मांग कम, नहीं खरीदना अपन को, और किसी वस्तु की कीमत गिर गई अपन मांग बढ़ा देंगे। हाँ, ये दो जगह अपवाद होता है। पहला तो जो आवश्यक वस्तु है, जैसे अब खाने पीने का सामान है, गेहूं है, अनाज है, चावल है, ये तो भैया व्यक्ति खरीदेगा चाहे कितने ही महंगे क्यों ना जाए, कोरोना के समय में लोगों ने खरीदे ही है ना, तो एक तो आवश्यक वस्तु में, दूसरा जब प्रतिष्ठा पे बात आ जाती है ना, नाक का सवाल आ जाता है, मेरे पड़ोस वाले ने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, वो उसने 10 की खरीदी, अपन को जरूरत नहीं गाड़ी की, पर फिर भी अपन 12 की लेकर के आएंगे उसको दिखाने के लिए, साहब प्रतिष्ठा की बात है, रेपुटेशन की बात है, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड दुनिया के सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं। परंतु बाकी सभी सामान्य स्थितियों में जहां पर प्राइस बढ़ेगी हम डिमांड को गिराएंगे, और जहां पर प्राइस गिरेगी उसको हम डिमांड को बढ़ा देंगे। ये जो हम इसको कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, इसको समान रख रहे हैं, ठीक है ना, इसी को समान रखने से और इसकी प्राइस में बढ़ना और गिरना हो रहा है, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम कहलाता है। तो इसने यहाँ पर यही बात कही कि एक या एक से अधिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है, और उपभोक्ता चयनित वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन की संभावना हो जाती है, तो किसी में परिवर्तन आएगा तो चयनित मात्रा उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। यहां हम इनमें से एक समय एक परिवर्तन को बदलकर अध्ययन करते हैं कि कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा उस परिवर्तन से संबंधित है। तो हम यहां पर एक समय में एक परिवर्तन को, एक वेरिएबल को ही बदल करके देखेंगे, और वो एक वेरिएबल क्या है, पी एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं बस उसकी प्राइस को ही बदल करके देखेंगे, बाकी किसी को भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे। मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय व कीमत तीनों आते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम मांग की बात करेंगे तो इसके साथ स्थान भी आएगा, समय भी आएगा, और उसकी कीमत, ये तीनों चीजें इससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मांग वक्र तथा मांग का नियम। देखिए मांग वक्र या डिमांड कर्व जिसको कहा जाता है, वो हम आज के लेक्चर में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, आज अपन सिर्फ और सिर्फ बेस क्लियर करके जाएंगे मांग का, जिससे कि जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में आए तो आपको मांग वक्र बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। आज बेस क्लियर हो जाएगा, आज नींव भर देंगे, फिर कल बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, ठीक है। तो आज मांग वक्र या डिमांड कर्व नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ डिमांड की चर्चा कर रहे हैं, और इधर ये जो लिखा हुआ मांग का नियम वो है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं, तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला है इसने, यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत, जो वस्तु आप खरीद रहे हो उसके अलावा दूसरी वस्तुओं की कीमत, स्थापन और पूरक वस्तुओं की कीमत
अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। उपभोक्ता की आय में, इनकम में कोई चेंज नहीं होता, सो कमारा तो सो ही कमाएगा। अभिरुचि और अधिमान में भी कोई चेंज नहीं होता। मैंने आपको 5 फैक्टर बताए हैं, कौन कौन से, प्राइस ऑफ एक्स मतलब जो वस्तु खरीद रहे हो उसकी प्राइस, दूसरे वस्तुओं की प्राइस, उपभोक्ता की आय, अभिरुचि, अधिमान, और एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है भविष्य की संभावना। तो इसने क्या बोला, प्राइस ऑफ एक्स उसको छोड़ दो एक बार, उसके बाद बोला वस्तुओं की कीमत, जो दूसरे वस्तु उसकी कीमतों में कोई चेंज नहीं होगा, फिर बोला उपभोक्ता की आय में भी कोई चेंज नहीं होगा, अभिरुचि, अधिमान मतलब टेस्ट में, प्रेफरेंस में, इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इनमें बिना चेंज हुए हुए तो सब कुछ फिर किस पर निर्भर हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत पर निर्भर हो जाएगा। उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी घटेगी सब कुछ उसी के अनुसार चलेगा, यही बात इसने कही है। तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है, मतलब उसको बेस्ट मानता है और संतुष्ट हो जाता है, वो पूरी तरीके से उसी की कीमत पर निर्भर होगी। इन सबको तो हमने कॉन्स्टेंट मान लिया, समान मान लिया, अपरिवर्तनीय मान लिया कि ये तो परिवर्तन हो ही नहीं सकते, चेंज हो ही नहीं सकता। तो बस जो भी चेंज होगा वो इसकी कीमत ही चेंज होगी जो वस्तु आप खरीद रहे हैं। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा यह संबंध मांग फलन कहलाता है, डिमांड फंक्शन कहलाता है। तो क्या कहा, किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत संबंध ये महत्वपूर्ण है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं, डिमांड फंक्शन कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह मात्रा दर्शाता है जब अन्य वस्तुओं के पूर्ववत रहने पर उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। तो मांग फलन क्या दर्शा रहा है, मांग फलन ये दर्शा रहा है कि जब बाकी सभी जो फैक्टर्स हैं वो सारे अपरिवर्तनीय है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से उपभोक्ता कितना खरीदता है और कितना नहीं खरीदता वो हम लोगों को देखना है। उपभोक्ता की मांग इसकी कीमत के एक फलन के रूप में इस प्रकार लिखी जा सकती है। देखो x इज इक्वल टू एफ पी, देखो अब ये x इज इक्वल टू एफ पी क्यों लिखा है, x यहां पर आप डिमांड को दर्शा सकते हो, ठीक है, f फंक्शन को दर्शाया गया था, मैं भी यहां पर फंक्शन को दर्शा देता हूं, और ये p क्या है, जो वस्तु आप खरीद रहे हो उसकी प्राइस को दर्शाया। क्यों, अब देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि डी एक्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में डाल दीजिएगा पी एक्स कोमा पी आर y t f, ये मैंने आपको लिखा है, ठीक है ना। और अब बुक वाला ये वाला फॉर्मूला दे रहा है, अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। यहां पर इसने जो x माना है वो डिमांड को माना है, f फंक्शन को मान ही रहा है, और अब वो ये कहता है कि जब ये चारों अपरिवर्तनीय है इसमें चेंज होना ही नहीं है, कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, चेंज होना ही नहीं है, तो फिर तो सिर्फ बचा ये ना, तो अपना भी फॉर्मूला अगर बच जाता है तो यही बचता है ना, एफ पी एक्स यही बच जाता है, बात खत्म। भैया एक्स प्राइस, एक्स जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी प्राइस और उसकी डिमांड कितनी होगी, बस इन दोनों के बीच का संबंध मांग फलन कहलाता है, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं सकते, ये तो अपरिवर्तन हो ही नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कहता हूँ, आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देके आओगे, एक इकोनॉमिक्स, 2 आपके और सब्जेक्ट होंगे और हिंदी इंग्लिश। जो मान लीजिए आपने हिंदी इंग्लिश का पेपर दिया, भगवान ना करे ऐसा आपका खराब हो गया, थोड़े बहुत आपको लगा जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, अब आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, छोड़ो उनको, भूल दो उनको, साइड में उठाकर करो, जो बाकी अब 3 मेन सब्जेक्ट बचे उनमें खूब तैयारी करो और एफर्ट्स लगाओ, 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। तो यहां पर भी तो वही बात बोली गई, जब इनमें परिवर्तन कर ही नहीं सकते तो बाहर करो ना, इनको रख करके क्या फायदा है, तो वही बात यहां पर बोल रहे हो। तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना है, हर किताब अपने अपने हिसाब से अलग अलग लिख देती है, पर जो निष्कर्ष है ना, कंक्लूजन है, वो एक ही निकलता है। जहां एक्स की मात्रा को इंगित करता है, एक्स मात्रा को इंगित करता है, मतलब डिमांड कितनी है उसको इंगित करता है, और पी वस्तु की कीमत को इंगित करता है, और जो पी जो है वस्तु की कीमत को इंगित करता है। तो फॉर्मूले सेम है, आप ये वाला यूज करें, वो वाला यूज करें, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। मांग फलन को ग्राफीय रूप में भी दर्शाया जा सकता है, मांग फलन का ग्राफीय चित्र मांग वक्र कहलाता है। अब ये जो मांग फलन है, ये जो डिमांड फंक्शन है, कि हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने से घटने से हमारी मांग पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसको हम वक्र से भी दर्शा सकते हैं, कर्व से भी दर्शा सकते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, मांग वक्र कहा जाता है। आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, चैप्टर 2 में लगभग लगभग आप 70% चैप्टर खत्म कर चुके हैं। जो बात मैंने आपको पहले लेक्चर में कही थी इस किताब के शुरुआत में, कि अगर आप लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र में वक्र नहीं बनाए तो आपका अर्थशास्त्र बर्बाद है बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते।
वक्र बड़े इंपॉर्टेंट है, पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र वक्रों पर ही टिकी हुई है। अगर आपने वक्र बनाना सीख लिया ना तो 100% आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा। वक्र बड़े जरूरी है। तो अब यहाँ पर वापस से एक वक्र आ गया जो कि है मांग वक्र या डिमांड कर्व। इसी डिमांड कर्व को हम आगे जा करके मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में जाकर करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे बनाया जाता है, इसका क्या स्लोप होता है, ठीक है, कौन सी टेबल बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। परंतु मांग वक्र की आपको जो डेफिनेशन है वो आज यहाँ पर मिल गई। उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध साधारणतः नकारात्मक होता है। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब आप इसको नेगेटिव संबंध भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऋणात्मक भी लिख सकते हैं और आप इसको प्रतिलोम भी लिख सकते हैं। देखिए नेगेटिव संबंध, प्रतिलोम संबंध या नकारात्मक संबंध का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इकोनॉमिक्स में नकारात्मक का मतलब ये नहीं है हम नेगेटिव हो गए, नहीं, ये वाला नहीं है। नकारात्मक नेगेटिव ये बोला जाता है कि जब दोनों साइड क्या हो, ऑपोजिट हो जाए, दोनों साइड ऑपोजिट हो जाए। जैसे देखिए कि आज ये मेरे पास दो पेन है, ठीक है, अब दोनों का जो लिखने वाला फेस है वो अभी दोनों का ऊपर है, तो ये तो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जैसे ये चल रहा है वैसे ये चल रहा है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए एक आप कपल का उदाहरण लीजिए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का उदाहरण लीजिए, अब हस्बैंड बोले नहीं नहीं ये सही है, वाइफ बोले नहीं नहीं ये सही है, तो अब दोनों क्या हो गए, दोनों विपरीत हो गए, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, वो इसके खिलाफ वो इसके खिलाफ, पर दोनों ही बोले नहीं, हस्बैंड ने बोला ये सही है, पत्नी ने बोला हाँ ये सही है, पत्नी ने बोला ये सही है तो पति बोला हाँ ये सही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है, जब दो चीजों का जब हम रिलेशन बिठा रहे हैं, जब दोनों एक साथ हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव या धनात्मक वाला संबंध हो जाता है। पर जब दोनों में क्या हो, अपोजिट जा रहे हो, अब इसका फेस ऊपर है और इसका फेस नीचे है, ये नेगेटिव में आ गया, ये ऋणात्मक में आ गया, तो यहां पर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता की किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत। मतलब आप जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी डिमांड और जिस वस्तु को आप खरीद रहे हैं उसकी प्राइस, इसके बीच में कैसा संबंध होगा, प्रतिलोम संबंध होगा। मतलब अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये घट रही है इसीलिए ये बढ़ रही है, और ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, और ये क्यों घटी, क्योंकि ये प्राइस ज्यादा बढ़ गई है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कह देते हैं या मांग का नियम कह देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम याद रखिएगा। आज आप प्रतिलोम संबंध पढ़ रहे हैं, ऋणात्मक संबंध पढ़ रहे हैं, नेगेटिव संबंध पढ़ रहे हैं। जब हम उत्पादक की बात करेंगे, जब हम सप्लाई करने वाले की बात करेंगे, तो वहां पर क्या है, धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अब सप्लायर क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तो सप्लायर क्या सोचता है कि जब प्राइस बढ़े तो मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूं, क्योंकि उसको तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, और जैसे ही प्राइस कम हो अपन उत्पादन भी कम कर देंगे। तो पर यहां पर ये कंज्यूमर उपभोक्ता सोचता है, तो उपभोक्ता के लिए जो संबंध होगा, लॉ ऑफ डिमांड जो होगा, मांग का नियम होगा, वो नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, प्रतिलोम होगा, ऋणात्मक होगा। परंतु जब हम उत्पादक की बात करेंगे, जब वहां पर आएंगे, तो जो पूर्ति है, सप्लाई है और वस्तु की कीमत है, उन दोनों में धनात्मक संबंध होगा, मतलब दोनों एक साथ बढ़ेंगे। ओके, दूसरे शब्दों में वस्तु की मात्रा जो उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा वह वस्तु की कीमत गिरने से संभावित रूप से बढ़ सकता है, तथा यह वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संभावित रूप से घट सकता है। तो यही बात कही कि वस्तु की कीमत अगर गिरेगी तो उसका बढ़ सकता है, मतलब जो मात्रा है वो बढ़ सकती है, और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मात्रा घट सकती है। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, ठीक है ना, और इसको आप आगे तक याद रखिएगा। एक मार्क्स में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मांग का नियम क्या है, संबंध कैसा होता है, लॉ ऑफ सप्लाई या जो पूर्ति का नियम है वो क्या है। ये एक एक मार्क्स वाले ज़्यादा क्वेश्चन, और डिटेल में भी इन पर अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। परंतु आज के लिए इजाज़त दीजिए, और आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।